नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तीसरे चरण में लोकसभा चुनाव के लिए यूपी की 10 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। हालांकि मतदान केंद्र के अंदर जो लोग मौजूद थे वो 6 बजे के बाद भी वोट डाल सके। इन 10 सीटों पर 100 प्रत्याशियों में से 8 महिला उम्मीदवार हैं। बता दें कि संभल में शाम 5 बजे तक सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, जिसमें 61.1% वोटिंग हुई है। चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका दिया है। चुनाव आयोग ने बीजेपी का विज्ञापन हटाने के लिए कहा है। आयोग ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट एक्स को कर्नाटका भाजपा का आपत्तिजनक विज्ञापन हटाने का आदेश दिया है। दरअसल कर्नाटका में विपक्षी दल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आदेश के बाद इसे हटाया नहीं था। आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर पहले ही FIR दर्ज की जा चुकी है। कांग्रेस की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि देश के हर कोने में समाज के लोगों को भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। सोनिया गांधी ने एक वीडियो संदेश में कहा, मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज देश के हर कोने में युवा बेरोजगारी, महिलाएं अत्याचार, दलित, आदिवासी पिछड़ा और माइनॉरिटी भयंकर भेदभाव झेल रहे हैं। ऐसा माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की नीयत की वजह से है। उनका ध्यान किसी भी कीमत पर सिर्फ सत्ता हासिल करना है। उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस पार्टी और मैंने हमेशा सभी की तरक्की और वंचितों को न्याय दिलाने के साथ देश को मजबूत करने के लिए संघर्ष किया है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट पर प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस महासचिव ने कहा, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और हमारे तमाम महापुरुषों ने आंदोलन किया ताकि जनता का अधिकार मजबूत हो। वो सोच भी नहीं सकते थे कि एक ऐसी सरकार आएगी जो उनको देशद्रोही कहते हुए ये कहेगी कि हमें 400 सीटें दे दो तो हम संविधान बदल देंगे। ये सोच भी नहीं सकते थे कि हमारी जनता को कमजोर करने की कोशिश खुद सरकार करेगी। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वे आदिवासियों के जल, जंगल और जीवन को उद्योगपतियों के हवाले करना चाहते हैं। झारखंड में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने सत्ता में आने पर करोड़ों लोगों को लखपति बनाने का वादा किया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, प्रधानमंत्री आदिवासियों के जल, जंगल, जीवन को 14-15 उद्योगपतियों के हवाले करना चाहते हैं। उन्होंने पहले 10 साल के कार्यकाल में 22 लोगों को अरबपति बनाया। सत्ता में आने पर हम करोड़ों लखपति बनाएंगे और गरीब महिलाओं को सालाना 1,00,000 रुपए देंगे। गांधी ने बेरोजगार डिप्लोमा धारकों, स्नातकों और 1 साल की ट्रेनिंग प्रदान करने का वादा भी किया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। हिंदू मुस्लिम को लेकर उन्होंने कहा कि क्या ये सारी नफरत भारत को मजबूत करेगी? क्या हिंदू मुस्लिम किसी भी तरह से अलग हैं? इस नफरत को जन्म देने के लिए राजनेता जिम्मेदार हैं। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, जब देश आजाद हुआ था तब हमने महात्मा गांधी जी के भारत को स्वीकार किया था, मोदी के भारत को नहीं। हम गांधी जी के भारत को वापस लाना चाहते हैं, जहां हम इज्जत से चल सकें, शांति से बात कर सकें, आपस में मिलकर रह सकें, एक दूसरे की मदद कर सकें। हम नहीं देखें कि हमारे सामने किस धर्म या समुदाय का है। दिल्ली शराब घोटाला केस में तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत को लेकर लंबी सुनवाई हुई। इस दौरान ईडी से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी अपनी दलीलें रखी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब 9 मई को सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल के अंतरिम जमानत पर फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर बेहद अहम टिप्पणी की है। ईडी की तरफ से दलील दिए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर वह अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देता है तो वे मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि इसका अन्य मुद्दों पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि इसमें यह भी कहा गया है कि वे एक मुख्यमंत्री है, आदतन अपराधी नहीं है। इसमें यह भी कहा गया है क्योंकि लोकसभा चुनाव है और इस वजह से इसकी परिस्थितियां अलग हैं।
उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के दौरान राज्य की 10 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। मैनपुरी में आज समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव ने वोट डाला। वोट डालने के बाद अखिलेश यादव ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले जानबूझकर गर्मियों में वोट डलवाते हैं। जो गर्मी में वोटिंग हो रही है वो वोटिंग एक महीने पहले भी हो सकती थी। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से ज्यादा वोटिंग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि वे वोट ही हैं जो हमारे आपके जीवन को बदल सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संभल में मंगलवार को मतदान के दौरान कई मुस्लिम बहुल इलाकों में लोगों ने वोट न डाले दिए जाने के आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए आरोप लगाया, संभल लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली 4 विधानसभा क्षेत्रों के पुलिस कर्मियों की ओर से मतदाताओं को पीटा एवं धमकाया जा रहा है। अनावश्यक रूप से वोटिंग पर्ची की चेकिंग करके मतदाताओं को परेशान करके मतदान को प्रभावित किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बड़ा ऐलान किया है। माना जा रहा था कि पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा चीफ मायावती के संपर्क में हैं और वे बसपा के टिकट पर भी चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अब खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया है कि वे कुशीनगर लोकसभा सीट से राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने नामांकन का भी ऐलान कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य 9 मई को कुशीनगर से नामांकन करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार जारी है। चौथे चरण के प्रचार के बीच प्रधानमंत्री मोदी आज मध्य प्रदेश के धार पहुंचे। पीएम मोदी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के एक नेता पशुओं का चारा खा गए, जिनको अदालत ने सजा भी हुई है। पीएम मोदी ने लालू यादव पर निशाना साधते हुए कहा, बेशर्मी देखिए कि अदालत में उनको गुनहगार बना दिया है, इसके बाद भी वे जमानत पर बाहर आए हुए हैं। उन्होंने अभी अभी मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कही है। कांग्रेस से इस्तीफा देने वाली पार्टी की महत्वपूर्ण नेता राधिका खेड़ा ने मंगलवार को भाजपा का दामन थाम लिया। आपको बता दें कि कांग्रेस छोड़ने वाली राधिका खेड़ा ने कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। राधिका खेड़ा के साथ ही फिल्म नेता एवं कांग्रेस से टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके शेखर सुमन ने भी मंगलवार को भाजपा का दामन थाम लिया। सुप्रीम कोर्ट में आज बंगाल स्कूल सेवा आयोग के करीब 25,000 नियुक्तों को रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई हुई। देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने इस दौरान पश्चिम बंगाल सरकार से कड़े सवाल पूछे। सीजीआई ने शुरुआत में बंगाल सरकार से पूछा कि उसने अतिरिक्त पद क्यों बनाए और वेटिंग लिस्ट आने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति क्यों की, जबकि चयन प्रक्रिया को अदालत में चुनौती दी गई थी। अब तक की सुर्खियों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com पर।